एक लक्ष्य लेकर कि जिस बुरी तरह से गौरी लंकेश की कल रात हत्या हुई है, उससे पहले हमने देखा है कि कलबुर्गी के साथ, हमने देखा है कि डाबोलकर के साथ, हमने देखा कि पंसारे के साथ ठीक ऐसा ही सुलूक हुआ था। और जो एक बात निकल कर आती है वो ये ऑब्जर्वेशन कि इन तमाम लोगों को इसलिए मारा गया है, इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत पैसा था और उनका पैसा छीना जाता, इसलिए नहीं कि उनके खानदानी को इज्जत, सिर्फ इसलिए कि उनका बोलने का जो हक वो इस्तेमाल कर रहे, जो अपनी बात कह रहे, जो उनकी सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी, जो विचारधारा थी लोगों के हक में, सच्चाई के हक में, जस्टिस के हक में, उसको बंद करने की ये एक कोशिश है। इससे ज़्यादा खौफनाक चीज़ देश के हमारे जो लोग हैं, जिनकी हम इज्जत करते हैं, जिनमें ये क्षमता है, जिनमें ये करेज है कि वो सच्चाई को हमारे सामने ला सकते हैं, अगर उनका कत्ल किया जा रहा है इस सोच के साथ कि देखो हम दहशत और वहशत का एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि जो लोग समझते हैं कि वो आज के माहौल में कुछ भी कह सकते हैं, उनको हम चुप करा देंगे, तो उनके लिए मैं कैफी साहब का ये शेर कहना चाहती हूँ जो इस वक्त सुलभा किसी के हाथ में है। होठों को सी के देखिए पछताइएगा, होठों को सी के देखिए पछताइएगा, हंगामे जाग उठते हैं अक्सर घुटन के बाद। तो ये जो घुटन का जो माहौल है, ये जो कोशिश है कि हम इस घुटन में जिए, हम खामोश हो जाएं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमको अपने देश से प्रेम है, हमको अपने देश पे फख्र है, और उस फख्र की बुनियाद पर, उस प्रेम की बुनियाद पर हम ये कहेंगे कि इस तरह के जो कंडेमनेबल एक्शंस हैं उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। जो लोग ये समझते हैं कि वो हमारी आवाज़ बंद करेंगे, उनको हम बार बार यही कहेंगे कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, बोल ये सुतमा जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी। We will not be silenced. We demand justice. 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 We will not be silenced. 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 We demand justice. We demand justice. We demand justice.